क्वेश्चन 9 कहता है कि अनपोलराइज लाइट को इंसिडेंट कराया जा रहा है बच्चों प्लेन सरफेस पे जिसका इंडेक्स कितना है म्यू। इस कंडीशन को समझो, लिखो एन वन बराबर वन है और यहाँ पे एन टू का टर्म म्यू है। फिर कहता है कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दोनों के दोनों आपस में 90 डिग्री बनाते हैं। तो देखो इंसिडेंट आया, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच में एंगल कौन सा है 90, और ये क्वेश्चन आ गया है अपने ब्रूस्टर्स लॉ से या ब्रूस्टर्स एंगल से, जहाँ पे अपन लिखते हैं ब्रूस्टर्स एंगल का मतलब टेन ऑफ आई बी बराबर बच्चों म्यू के आता है। उसी से अपन आई बी को ही एंगल फॉर पोलराइजेशन बोलने लगते हैं और ये आंसर टेन इनवर्स म्यू के आता है। अगर ये लाइन अपन को याद है तो कह सकते हो कि पहला भी गलत होगा और दूसरा भी गलत होगा। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं अपन। ये अनपोलराइज लाइट है तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर दोनों एक्सिस पे हैं, इंसिडेंट के इस एंड पे भी जा रहा है और अंदर की तरफ भी जा रहा है। और इसको अपन देखेंगे तो क्या दिख रहा है, ये लाइट अब बन चुकी है प्लेन पोलराइज्ड। ठीक है, और जो इसके वाइब्रेशंस हैं ये परपेंडिकुलर हैं किसके, इंसिडेंट के डायरेक्शन के। तो आपका आंसर होगा रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड, बेसिकली ये प्लेन पोलराइज हो जाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे इंसिडेंट के। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड जाएगा इसका सही। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें 90 डिग्री का मतलब है ब्रूस्टर से आया क्वेश्चन। ठीक है, और अनपोलराइज लाइट बन जाती है प्लेन पोलराइज लाइट।